कोलार इलाके में स्थित एक ग्रीन फील्ड विला में 11 युवक और 5 युवतियां कर्फ्यू के दौरान देर रात नाइट पूल पार्टी करते पकड़े गए। पार्टी में शराब का भी इंतजाम किया गया था। पुलिस कार्रवाई के दौरान इन लोगों ने पुलिस के साथ भी बदतमीजी की। शहर में लगे रात के कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए कोलार इलाके में शराब और पूल पार्टी चल रही थी। ग्रीन फील्ड विला में चल रही पार्टी में कई बड़े घरों के लड़के लड़कियां शामिल थे। शराब और पूल पार्टी की खबर लगते ही पुलिस ने होटल पर छापा मारा, जहां पुलिस पार्टी के साथ शराब के नशे में धुत युवतियों ने अभद्रता करने की भी कोशिश की। युवक रात में स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहे थे। पुलिस ने 16 लोगों पर लॉकडाउन उल्लंघन और आबकारी एक्ट का मामला दर्ज कर युवतियों के परिजनों को सूचना दी। कोलार थाना प्रभारी सुधीर अर्जरिया के अनुसार रात में करीब 11 बजे सूचना के बाद गेहूंखेड़ा में स्थित होटल में नाइट पूल पार्टी पर छापा मारा, जहां पुलिस टीम ने 11 युवक और 5 युवतियों को हिरासत में लिया। होटल को किराए पर लिया गया है। आज आपको सूचना प्राप्त हुई थी कि जो गेहूंखेड़ा में ग्रीन फील्ड होटल है, इसमें कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करके वहां पार्टी कर रहे हैं और शराब वहां पर पी जा रही है। इस सूचना पर हमने अपने महिला अधिकारियों के साथ में एक टीम को रवाना किया था, जो इस होटल में कुल 11 लड़के और कुछ युवतियां वहां पर पार्टी करते हुए शराब का सेवन करते हुए मिले हैं। इन लोगों के विरुद्ध धारा 188 जो कि लॉकडाउन की शर्तों का उल्लंघन करने की और आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। यदि जो कुछ उनके पास से बरामद हुआ उसको हम पूरी तरह से तस्दीक कर उसको बेचना में शामिल करेंगे, और जो कोई इस तरह का ड्रग्स या इस तरह की सप्लाई हुई है उसमें हुई है उसको बेचना में शामिल करेंगे। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।